नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज के क्वेश्चन। जी हाँ, पटवारी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, तो पंचायती राज के क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है अपने चैनल पे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल एग्जाम प्लेस। जी हाँ, ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अभी सभी पैट कोर्स में 90% ऑफ चल रहा है। जी हाँ, पटवारी का बैच केवल और केवल आपको मिल रहा है कंप्लीट 999 रुपए में, टेस्ट सीरीज के साथ, वीडियो लेक्चर कोर्स के साथ, साथ में एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ। तो देर किस बात की, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ऐप और जाके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड पीरियड ऑफर, 17 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। चलिए, इसके साथ साथ आप दूसरे कोर्स भी ज्वाइन करना चाहें, एसआई के, कांस्टेबल के, मैथ स्पेशल, हिंदी स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई लिख के, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ पाऊं और जितने स्टडी मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर हो, उसकी कंटेंट की जानकारी आपको दे पाऊं। चलिए, तो पंचायती राज के क्वेश्चन यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के भवन का जो वास्तुकार है वो कौन है ना, जो मध्य प्रदेश विधानसभा बनने से इंदिरा गांधी भवन के नाम से भी जाना जाता है ना, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है, विधानसभा भवन है ना, के नाम से जाना जाता है। इनके वास्तुकार पूछ रहा है, ऑप्शन में चार्ल्स कोरिया, अशोक वाजपेयी, लॉर्को ग्रूजियर और लुटेनिक्स। तो आप सभी को पता होगा इसका जो बेसिकली कह सकते हैं वास्तुकार है, आर्किटेक्टर है, वो है बेसिकली चार्ल्स कोरिया, याद रखिएगा। इसके अलावा जो पूर्व विधानसभा है ना, वो कहाँ लगती थी, वो लगती थी मिंटो हॉल। कहाँ लगती थी पहले विधानसभा, मिंटो हॉल में लगती थी। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है पहले कहाँ पे लगती थी, मिंटो हॉल में लगती थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सदस्य है उसकी संख्या कितनी है, विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है कितनी है। ऑप्शन है 320, 280, 230 और 190। तो आप सभी को पता है टोटल जो संख्या है वो कितनी है, वो है 230। जी हाँ, 230, 230 जो है आपकी क्या है, संख्या है। पहले थी 320, पहले थी कब, जब आपका छत्तीसगढ़ और एमपी एक साथ थे, है ना, तो पहले 320 थी। जब आपका डिवीजन हुआ तो आपकी 90 सीट जो है छत्तीसगढ़ को चली गई, 90 सीट छत्तीसगढ़ को चली गई, है ना, तो ये याद रखिएगा। और लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में कई बार पूछ लेगा कि लोकसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में 29 है। राज्यसभा में भी पूछ सकता है आपको, राज्यसभा में जो सीट है वो कितनी है, वो है आपकी 11। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक एससी आरक्षित क्षेत्र, एससी आरक्षित शेड्यूल कास्ट सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, मुरैना में है, दतिया में है, उज्जैन में, या सभी में। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे सभी हो तो उसी को टिक करना, क्योंकि 90% जो आंसर होते हैं यही होता है सभी वाले, है ना। तो मुरैना, दतिया और उज्जैन, यही आपका रिजर्व एरिया है किसके लिए, एससी के लिए। ठीक है, दो दो आरक्षित सीटें यहाँ पर, है ना, चाहे मुरैना की बात करें, दतिया की बात करें, दो दो स्थान आरक्षित है यहाँ पर, बेसिकली याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा है मध्य प्रदेश के निम्न जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पे भी अभव वाला है आंसर, तो ये भी अभव वाला ही हो जाएगा, क्योंकि भी झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, है ना, यहाँ पर आपका क्या है, ये बेसिकली एसटी के लिए आरक्षित क्षेत्र है विधानसभा की, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये सभी को पता होगा पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, तो वो है हमारी उमा भारती। जी हाँ, उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारे मध्य प्रदेश की। कब बनी थी, 2003 में बनी थी। उसके बाद इन पे पुराने उस तिरंगा अपमान के लिए केस लगा, उसका उनको इस्तीफा देना पड़ा, बाबूलाल गौर बने, बाबूलाल गौर के बाद फिर शिवराज बाबू बने और वो अब तक चले आ रहे हैं, बीच में कमलनाथ जी भी थे, है ना। तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना है। पहला राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑप्शन में देखिए दे रखा है क्या क्या, हरि विनायक
सत्यनारायण सिन्हा, केसी रेड्डी, बी पट्टाभी सीतारमैया। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है बी पट्टाभी सीतारमैया, जो कि आप सभी को पता होगा, 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1956 से, ये थे 13 जून 1957 तक, है ना, राज्यपाल रहे पट्टाभी सीतारमैया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे, जब गठन हुआ था हमारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का, उसके बाद पहले राजपाल बने बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के 17वसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रोगेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन आदेश देता है? तो याद रखिएगा, जो भी राज्य में मुख्य चीजें होती है उसका आदेश हमेशा राज्यपाल देता है, गवर्नर देता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। गवर्नर जो है 17वसन का आदेश देने का अधिकार रखता है, जबकि लोकसभा में, अगर मैं बात करूं, अगर लोकसभा में पूछ ले कि लोकसभा में कौन देता है, तो याद रखिएगा, लोकसभा में कौन देता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, जबकि जबकि विधानसभा में कौन देता है? वो राज्यपाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ना, पीएससी जो है बेसिकली, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसका जो आपके मेंबर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो याद रखिएगा, अगर स्टेट का मामला है तो स्टेट के मामले में हमेशा गवर्नर करता है, और ये यूपीएससी है तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गवर्नर के हाथ में होता है, जबकि स्टेट का होगा तो याद रखिएगा। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 के अंतर्गत आता है, 316 के, आर्टिकल 316 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो आर्टिकल 316 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? अब ये देखिए, इसके लिए आपको मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की क्या याद रखनी होगी, पूरी लिस्ट पहले से लेके अब तक के जो मुख्यमंत्री है ना, उनकी लिस्ट अगर याद कर लोगे दोस्तों तो बहुत फायदा मिलेगा, है ना। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद कौन था? तो आपको बता दूं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो है ये 18 जनवरी 1978 से, 18 जनवरी 1978 से ये 19 जनवरी 1980, 19 जनवरी 1980 तक क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 20 जनवरी 1980 से, 20 जनवरी 1980 से, 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक, है ना, कौन बना? सुंदरलाल पटवा बने। कौन बने? सुंदरलाल पटवा ये मुख्यमंत्री बने। ठीक है, 20 जनवरी से 17 फरवरी 1980 तक। उसके बाद फिर कौन बने थे? अर्जुन सिंह बने थे। तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद कौन बने, तो वो बने थे सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल पटवा बने थे। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो कौन बने थे? अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे। तो ये क्वेश्चन कई बार फंसाने वाले दे देता है, इसलिए आपको दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा, जो लिस्ट है मुख्यमंत्री की अभी तक की, उसको एक बार अच्छे से देख लो ताकि आपको और आइडिया मिल जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इससे इजी क्वेश्चन कभी पूछा गया नहीं है और ना जाएगा। 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे कौन? पंडित रवि शंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसके अलावा स्टेडियम पूछ लेगा, पंडित रवि शंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है? तो जबलपुर में है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया भी हुआ है ना, स्टेडियम अगर पूछता है ना, तो ये पूछा गया है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था आज का क्वेश्चन। इसके बाद फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, होपफुली आपने एंजॉय किया हो तो भैया लाइक कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, और वीडियो को हमारे शेयर कर दो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।